शाहबाद उपमंडल के गांव खरिंडुआ में बिजली का खंभा लगाने को लेकर दो पक्ष हुए आमने सामने। तनाव को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों में कराया लिखित में समझौता। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के गांव खरिंडुआ में बिजली का खंभा लगाने को लेकर दो पक्ष इस कदर आमने सामने हुए कि तनाव को देखते हुए पुलिस को मौके पर पहुंच बीच बचाव करवाना पड़ा और पुलिस के हस्तक्षेप उपरांत ही दोनों पक्षों में लिखित में समझौता करवाया गया। वहीं एक पक्ष सुरेंद्र सिंह का कहना है कि बिजली के तार नीचे से गुजरती है जो किसी हादसे का सबब बन सकती है। वहीं मोहन सिंह ने भी कहा कि विभाग को शिकायत की गई है लेकिन कानों पर जू नहीं रेंगी है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी सुदेश ने कहा कि दोनों पक्षों की सहमति करा दिया और लिखित में समझौता हो गया है। आइए देखते हैं शाहबाद से हमारे संवाददाता चार तारीख जो डीग गया मैं देने तो उन्होंने दिंदे जी मेरे के दो और बंदे थे तीसरी गया देने उन्होंने मेरे बदले और ढुकोई दिया दे। तो मैं दूसरी तीसरी बारी गया दफ्तर में कहा जी वो बिल देखो मैं सारा भर चुका भैया मेरी बैठकी नहीं कर सुबह जाकर क्या बात माँ जी नहीं करा क्या पैसे की सर मांगे मेरी लाई नहीं जब इनकी लगी 20 का रखी अरे मेरे जब लाई नहीं मैं बड़ा माइक बड़ा भी सारा लुवाऊंगा किसने मांगे पैसे आपसे मैंने कहा पता नहीं कटे थे ये जो लाइन मैन है लो कटे थे हां न्यू कटे थे इशारे से बात किया आपको अच्छा जी कौन सा लाइन मैन पता किसी का ये जो रिया काला था जिले बारे जो तूफान आया था काफी उसके बीच में तारा वगैरह जो तो इन्होंने ऐसी टेम्परेली जिसने भी लगाई महकमे ने या लोकल आदमी लगाई ऐसे नीचे थी बिल्कुल 3 फुट तो नीचे कोई भी हादसा हो सका था इसलिए अपने जी साहब को कई बार कंप्लेंट भी करी लेकिन कई दिन के बाद ये साहब के ऑर्डर हुए लाइट बंद कर दी थी हाँ उसके बाद इनका पारिवारिक जमीन का विवाद कारण जो है 4-5 दिन लाइट बंद पड़ी थी और राजनीति प्रेरित सारा मामला इसीलिए अब इनके आपस में बैठ कर सहमति करा दी जो जो है इसका रूट खंभे का जो है डोल पे गाड़ के और दूसरी जगह रूट चेंज करके जो यार लेके ले इसमें कार्रवाई नहीं बिल्कुल होनी चाहिए जो खुद लगाया तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए क्या मैंने पवन डांडा जी बीमारी तारा यहाँ जो खंभा मोहन सिंह ने स्नो पर हमने पहाड़ का अपने घर घेर लिया और मारी लाइट 6-7 दिन से बंद प्रशासन ने कोई मारी होनी करी आवा थे यूँ लड़ा थे 6 दिनों के इन्होंने मुर्गा खावा दरों पीवा मत गाना देवा जी मोहन बहन और भी इनकी गल सरपंच ठीक है जी इन्होंने हमारी एड्रेस कर दी इन्होंने एक जिद के ऊपर भुखे मारे भूखे मारे मारे डंगर भूखे मारे हैं ठीक है जी तो मन ने नीचा होगा मन ने कहा भाई थम इंगा काट दो मारे कितना मैंने मारे दो मन ने काट दो मन इंगा अपनी लाइट चलती करवा लिया हाँ जी करके जी सारे के नाम दे रहे कंप्लीट दे रखिया भैया ये बंदा ना ये ना मत परेशान करे खंभा पाड़ का अपने घर के रखा ये भी बड़े जी खंभा आप वीडियो बना सकते हो इसके प्रशासन भी यहाँ आएगा जी सारा कुछ प्रशासन के द्वारा ही सारा काम कराया गया जी सारा उन्हें खड़े होगा उनते भी समझाया मत भी समझाया हो गया सिस्टम भी ठीक है भाई पर इन्होंने मत बहुत दिक्कत दिया मोहना हर एक इनका लाइनमैन था गोल्डी वो भी इनके लाओ बैठना खाना खा पीवा था भाई उन्होंने हमारी सुनी है लाइनमैन क्या पंकज लाइनमैन आवा था यहाँ से इनके लाओ बैठा था मारी सुना था वो चाहता वो रूप वहीं से खंभा कटता जहाँ सूरत था मामला खाने पीने गए हो भाई इनके अलावा क्या तो मैंने पैसे लिए क्या करे इनके अलावा हुआ था बैठा था बोतल भी दीजिए क्या नाम है ग्रीन ब्यूटी मर सामने पीजिए नाम क्या है नाम पंकज है जी लाइनमैन है लाइनमैन है जी ठीक है जी यहाँ बंदे खड़े सारे सारे जो पीछे बंदे खड़े सारे सारे पूछ लीजिए आप सारे बताओगे जी आपके सारे ने देखा वो बोतल अपनी गड्डी में लेके जी एक और फिर उसके बाद गया वो SDO पा SDO फिर हम भी गए जी दिखा देने वहाँ से मत पहले पहुँच गया जिस टाइम हम पहुँचे मन इनके नाम लिख कर दिए उस टाइम 20 बंदे यहाँ बैठे थे पंकज ने इन पर फोन करके गली बता दिया ये बंदे गली उठा सारे बाजी भाई पुलिस आने लग गया
एक भी बंदे नहीं रह जो जिस टाइम हम आए चाहे कार्रवाई थी यहाँ से यूँ रोक दे कराते थे बीच जने, फिर उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन लेनी पड़ी तो जाकर हमारा काम होने लग रहा जी। आज छः सात दिन घर जाकर देख लो सारे बसन सुखे पड़े डंगरे के पानी जी हम दूर दूर से जाकर ले गए जनरेटर खड़े जनरेटर सिंह। देखो हमारे खेत में लाइट जा रही है नीचे से तो यहाँ खतरा बहुत है जी, बच्चे या डंगरा कोई मर सका जी। हम कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं बिजली विभाग में जी, बिजली विभाग वाले आते हैं कहते हैं कोई बात नहीं जी करा देंगे, पता नहीं उन पर क्या दबाव है जी, करते नहीं है जी। आप बताओ क्या करें जी, हम 10-12 दिन से हम कंप्लेंट कर करके अभी तक गए, रजिस्टर भी उन्होंने पता नहीं कहाँ छुपा दिया जी, कह रहे हैं नहीं ये नहीं वो। अच्छा जो खेती अब तो खाली पड़ा जी, बस ऐसे क्या करें, 10-12 दिन लेट हो गए बल्कि और जी। अच्छा जी, तो यहाँ पर खेती बस ये तारे हटेंगे तभी कुछ समस्या का हल होगा जी। कितनी ऊंचाई इन तारों की जी? कितनी ऊंचाई? ऊंचाई 2.5 से 3 फुट है जी बस। बिल्कुल बड़ा हो सकता है जी, कोई बच्चा भी मर सका जी, मान ले 5-4 साल का बच्चा हाथ लगा ले या कोई पशु आ जाए जी, सबका नुकसान है जी। तो इसका जिम्मेवार अभी तो बिजली वाले ही बनेंगे जी, जी जो सुनवाई नहीं कर रहे हमारी, पता नहीं किस दबाव में नहीं कर रहे हैं जी। जो अभी हम आते हैं जी और देख के कोई बात नहीं कर देंगे चले जाते हैं जी। कोई रिश्वत मांग रहे हैं जी, किस्म से कह रहे हैं जी 25,000 एस्टिमेट बनेगा ये वो है, बस रिश्वत की बात मांग कर रहे हैं। किसने मांगी रिश्वत आपसे? कौन मांग रहा है? जो रिश्वत ही है और क्या, जो कह रहे हैं बिजली विभाग के जो बड़े अधिकारी है जी वो कह रहे, वो मांग रहे हैं जी। अगर कल आपको कोई बढ़ सके वही बनेंगे जी, मैं बार और कौन बनेगा जी, जब हम नहीं कर रहे हम एप्लीकेशन दे चुके हैं, दरखास्त दे चुके हैं 2-3 बार। क्या कार्रवाई चाहते हो? हम कार्रवाई ये चाहते हैं भाई, जो जायज बनते हैं जिसको मतलब खेत में से हटाया जाए, ऊंची की जाए, जो भी है जायज बनेगा करनी चाहिए जी उनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है जी। उसमें जब मैंने यहाँ देखा अभी बाकी एक्सीडेंट होने का खतरा है तो मैंने जब पर करवा दिया तार स्प्लाई भी बंद दिया। मेरी नोट्स में दिया जी, मेरे ऑर्डर है 22/6 को गया। ये चार का मामला है, ये चार का मामला है, चार को है ना, 22 तारीख को मेरे ऑर्डर है, उससे पहले मेरे को पता कौन है चला निकाल क्या। फिर लोगों की कार्रवाई है जो बिना अनलीगल किया बिना प्रशासन के आपके कंप्लेंट करेंगे जो है अपने यहाँ के लोग। एक पुल्ला नगर है गांव खेंडवा के अंदर, इसमें एक बिजली का पोल गिरना था, पानी नहीं था 2-3 दिन से, आपस में अपना थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी दोनों पक्षों की। अब बिजली विभाग के सामने और हमारे सामने दोनों पक्षों की सहमति हो गई है, लाइट चालू हो रही है, बाकी दोनों पक्ष ठीक हैं, अपनी सहमति है, ना कोई लड़ाई ना कुछ लड़ाना, अभी कुछ है लिख के दे दिया, दोनों ने रिटर्न में लिख के दे दिया है भैया। मैं भी सहमत हूँ, मैं भी सहमत। क्या नाम क्या जी आप? ASI सुदेश कुमार थाना साहब।